नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुख्तार चल पड़े हैं, सफल हुए बल्लेबाज, ऑफ स्टंप पर आए, अंतिम समय तक देखा, जाचा, जाने दिया विकेट कीपर के पास, वाइड गेंद। इस तरीके गेंदों से परे होना पड़ेगा, अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी होगी, ये भली बात ही जानते हैं मुख्तार। गेंदबाज बल्लेबाजों को चखना चाहते हैं, उनका परीक्षण करना चाहते हैं, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो गेंद को यूं कहें कि लेग स्पिन गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं, जो इस तरह से वाइड गेंद में तब्दील हो जाती है। एक बार फिर से गेंद कदमों का प्रयोग किया, पहले से बांप लिया था, लेंथ को लंबा रखा, दूसरे का तौर पर है, नजदीकी मामला हो सकता है, थ्रो खराब, नतीजा 2 रन। नमस्कार, मैं अफजल शेख, आज यहाँ पर युवा सेना चषक 2018 सुराना युवा सेना चषक 2018 में आप सबका स्वागत है। आज के मैच के बारे में बताइए सर, मैच है, कहाँ कहाँ की टीमें लगी? ऑल ओवर मुंबई की टीमें आई हैं, जो इंटरनेशनल खेलती हैं टेनिस, वैसी टीमें आई हैं। इरफान जी ने बहुत ही ज़बरदस्त इसका आयोजन किया है। हमारे मलाड की 8 टीमें हैं और 8 टीमें ऑल ओवर मुंबई से आई हैं, और हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में काफ़ी बच्चे इसमें आगे आएँ, और मलाड के काफ़ी बच्चे यहाँ पर आज खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपकी भी एक टीम खेली क्या? नहीं, मेरी टीम यानी मलाड की टीम है, मेरी फेवरेट टीम है पटेल बॉयज, जो आज पहला मैच जीता है उन्होंने, और मैन ऑफ द मैच रहे एलेक्स, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था 1.5 साल पहले, जब तक ये मेरा नी इंजरी नहीं हुआ, तो एलेक्स के साथ खेला हूँ मैं, और आज एलेक्स को मैन ऑफ द मैच देते हुए बहुत खुशी हुई मेरे को। स्पॉन्सरशिप मैं नहीं कहूँगा, इरफान जी और युवा सेना और शिवसेना वार्ड 31 और दीपक मोरे जी, हम लोग काफ़ी एक साथ सोशल सर्विस में हैं, और सोशल सर्विस करते करते ये भी एक प्रकार का सोशल सर्विस है कि सारे यंग बच्चों को एक साथ लाना, उनको क्रिकेट के और गेम्स के लिए प्रोत्साहित करना, और जितने भी प्रोत्साहन इन यंग बच्चों को मिले, ये ग्राउंड में रहें, अच्छे प्रॉपर किट से क्रिकेट खेलें, गली में क्रिकेट जैसे नहीं खेलें, और यही बच्चे हैं आगे चल के अंडर-19 और इंटरनेशनल खेलेंगे। जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, सबसे पहले तो महाराष्ट्र डे है, और उसके बाद वर्ल्ड लेबर डे है, इरफान जी का जन्मदिन है, और हम सब के लिए जो हम सुराना परिवार में काम करते हैं, मेरे सुराना स्टाफ हैं, और हमारे जितने भी ट्रीटेड 10 लाख के करीब हमने पिछले 10 सालों में पेशेंट्स को ट्रीट किए हैं, इन सब के लिए ये फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं श्री धर्मचंद जी सुराना, उनका जन्मदिन है 1 मई को, और 1 मई हमारे लिए कोई त्यौहार से कम नहीं होता। फर्स्ट में हम ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं चेंबूर में, नवी मुंबई में, मलाड में, और उसी के क्रम में ये एक टूर्नामेंट भी है। मेरा दूसरा ईयर है टूर्नामेंट का, युवा सेना चषक 2017 से मैंने स्टार्ट किया था, और ये नेक्स्ट ईयर है। पिछली बार हमने 16 टीमें रखी थी, और एक 1,50,000 रुपये फर्स्ट सेकंड प्राइज रखे, और अभी 2018 में हमने प्रोग्रेस किया है, 2,00,000 और 1,00,000 रखे हैं प्राइस, और इसमें मैंने 20 टीमें खेला है, 16 टीमें प्राइस 2,00,000 1,00,000 में खेली, 4 टीमें जो हमारे लोकल ग्राउंड लोग मॉर्निंग वगैरह में खेलते हैं, उन लोगों को मैंने फ्री में 4 टीम का रखा है, कल के लिए रखा है, और आज इंटर मलाड खेल रहे हैं यहाँ पे। कुछ कुमारों की भी टीम रखी है, और कुछ शादी शुदा लोगों की भी टीम रखी,
रखी है जो कल रखा गया है, यहाँ की चार टीम है ग्राउंड की लोकल, उसमें जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत, यहाँ के जो सारे लोगों की बहुत डिमांड थी कि जो ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाते हैं, तो उनके लिए हमने चार टीम यहाँ बनाया है। यहाँ लोकल आप किसमें खेलने वाले? मेरी टीम है पटेल बॉयज, तो मेरी टीम है उसके अंदर मैं पटेल बॉयज में खेलने वाला हूँ। तो कल है हमारा मैच, आज इंटर मलाड की 8 टीम खेल रही है और 1 तारीख को जो आउटर है, जो 8 टीम आउटर खेला जाएगा, फाइनल मैच भी 1 तारीख को शुरू होगा। तो हर साल की तरह होता है फाइनल मैच 1 तारीख को, 1 मई को। इस बार एक मजबूत कंधा मिला है सुराना हॉस्पिटल की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हाँ, सुराना हॉस्पिटल का बहुत सहयोग है मुझे, इन्होंने बहुत स्पॉन्सरशिप किया हमें, और अफजल सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। सुबह से इन्होंने आज ग्राउंड से गए नहीं है, रात को भी इन्होंने मुआवजा लेने आए, मैदान का कमी नहीं है कुछ है तो आपको बताऊँ। आज सुबह से उनके हाथ से उद्घाटन समारोह हुआ है और जब से लेकर सर यहाँ ही बैठे हुए हैं, तो अफजल सर का बहुत उन्होंने मुझे हमेशा बस इनकी दुआएं बनी रहे और हमेशा कुछ ना कुछ करें। आज की पहला मैच जो है कांजली बॉयज और पटेल बॉयज की हुआ है, फर्स्ट राउंड जिसे पटेल बॉयज ने जीता है, एक बॉल शेष रहते हुए उन्होंने 45 रन चेस किया है। अभी दूसरा मैच चल रहा निधि 11 और मतलब जूनियर और बॉयज के साथ, तो भी देखते परिणाम क्या आता है उनके बाद। सर तो एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी ग्राउंड की तो 2 टीम है, कांजली बॉयज भी है पटेल बॉयज भी है, दोनों अपनी टीम है। तो एक हार के बैड लक है, ठीक है, लेकिन हार जीत तो लगी रहती है, एक को जीतना है एक को हारना है, लेकिन अगली बार और उम्मीद करेंगे नेक्स्ट ईयर जीतेंगे। बस यही शुभकामना दूंगा, दिल छोटा नहीं करें, अगली बार और अच्छा खेल के जीतेंगे। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।